महाराष्ट्र भूषण डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र द्वारा तीर्थ स्वरूप डॉक्टर दत्तात्रेय अप्पा साहेब धर्माधिकारी और तीर्थ स्वरूप श्री डॉक्टर सचिन दादा धर्माधिकारी जी के मार्गदर्शन में मंगलवार को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भिवंडी शहर में साफ सफाई अभियान बेहद अनुशासित तरीके से किया गया। डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के पदाधिकारी व सदस्यों ने भिवंडी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, आदर्श पार्क, कोमड़पाड़ा, मंडई, वंजरपट्टी नाका, वराले देवी रोड, ताड़ाली नाका और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के दोनों तरफ स्वच्छता अभियान करते हुए 51 किलोमीटर की साफ सफाई किए हैं। आपको बता दें, डॉक्टर नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान संस्था द्वारा पूरे महाराष्ट्र में हमेशा समाज के लिए विभिन्न सामाजिक गतिविधियाँ करते आ रहे आज महाराष्ट्र भूषण डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी जी के जन्म शताब्दी वर्ष निमित्त किया गया स्वच्छता अभियान में भिवंडी महानगर पालिका के महापौर श्रीमती प्रतिभा विलास पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी, शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोज काटेकर, समाज सेवक कृष्णा गाजंगी, धर्माधिकारी के सभी सदस्यगण उपस्थित थे। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष ममता परमानी, विकास बापना व आदि लोग स्वच्छता अभियान में शामिल होकर अपना सेवा दिए है। आज वाढदिवस निमित्त दरवर्षी ज्याप्रमाणे आपल्या भिवंडीत असं वाटते का सगळे अभियान जे चालू करता तुम्ही, आणि खरोखर तुमच्या भिवंडीमध्ये एक असा माहोल असते सकाळी का आमची भिवंडी त्या दिवशी का अलग दिसते, आपल्या कुठल्या कसा दिसत नाही। तो जे विचार आहेत नानासाहेब धर्माधिकारी जे विचार संस्था तुमच्या संस्था नानासाहेब आज जे संस्था आहे आणि जे विचार आहे तो मला वाटत ना इतका मोठा संस्था मध्ये असा विचार देऊन कुठली संस्था चालते। आता पूरी भिवंडी बघतो सर्व ठिकाणी आज सफाई अभियान चालू आणि दरवर्षी बघतो आणि याच्यामधून महापालिका लोकांना पण आम्हाला पण एक प्रेरणा भेटते आणि देशाच्या प्रधानमंत्रींनी पण सफाई अभियानचा खूप मोठा एक आपल्या भारतात ते चालू केले आणि ते आज दिसते आम्हाला। म्हणून मी खूप खूप धन्यवाद करतो नानासाहेब तुम्हाला अधिकारी प्रतिष्ठा जे जितके बी तुम्ही सदस्य आहे खूप खूप धन्यवाद। इतकं चांगलं काम